तो हेलो एंड वेलकम गाइस अवर न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं कॉलेज, क्योंकि आज हमारा एग्जाम। अच्छा और आज अपन जाएंगे बाइक से, क्योंकि अपने को आना है जल्दी और वापस जाके अपने को जाना है कुचामन। ठीक है तो लेट्स गो। तो मैं निकल चुका हूँ अपने रूम से, अभी आ गया हूँ सीधा नीचे। और आज निकल रहे हैं, जैसे कि आपको पता है, बाइक से। काफ़ी दूर का सफ़र है पर चलेंगे। ये खड़ी अपनी बाइक। मैं पहुंच चुका हूँ सापुरा। ना ना ना, तो मैं कपड़ा तो यार बढ़िया लग रहे हैं बस। तो का माइंड ना बस, या तारी वीडियो वायरल वाली ना, या जो तू वो चादरों लपेट बोले ना गेंद के। वाह, ये हमारे कठिन के बाद आठ एंटोमोलॉजी के पेपर में सिर पकड़ती हुई। और तू बैंगन। अरे बॉस, ये चड्डिया कौन की है? यान यान की बॉस की, ओम प्रकाश की। बॉस बदल बदल के पहनता। हां, ओम प्रकाश की किसी है? बॉस बदल बदल के पहनता यार है। ओम प्रकाश की, ये बॉस की है। इतनी गंदी चड्डिया है, ये कसड़ की है, ये चंद्र प्रकाश की है, और ये बॉस। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं उसका। अरे यार, ये अति गंदी चड्डिया हूँ तो मेरी मोटरसाइकिल साफ करवाओ, कभी मन कौन कर रहे हो मैंने। यार वो जी यार, यहाँ क्या डिली डाली रे काई है यार। डिली करते हैं यार, अच्छा कंपनी के पहनता है। क्या कह रहे हो बस? चंद्र प्रकाश डिली करते हैं यार, डिली यार। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितनी खतरनाक वाली पढ़ाई चल रही है। चारों के चारों जी पढ़ रहे हैं। बैंगन तो इनके वो मास्टर है ही। ये जरूर मेरा भाई है, थोड़ा बहुत पढ़ाई में। सतवीर, मैं भाई नहीं हूँ। तू तो लुगाई है। लुगाई 2.0। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब 2.0 का मतलब होता है कि सेकंड ईयर का। तू ये होट तेरे काले कैसे बीड़ी पीता है कि तू? सिगरेट तो नहीं पीता की। हाँ, अंगियों की हाथी देख साबुन को दे। देखिए कौन आया, विमल दा पुड़ी। चड्डिया तो भाई खास सही का, मैंने पहली आप लिए चड्डिया। फाइनली हम लोग जा रहे हैं कॉलेज की ओर। एक मोटरसाइकिल में विमल पुड़ी, सतवीर है, रजवीर। बोल रहे तू जा, ठीक है चाल में आ रहे। हाँ उठा दे, नागोरी बेल लगाने जा रहे हैं। नागोरी बेल को अभी खड़ी करने जा रहे हैं। नागोरी बेल को ये देखो, इसकी। और आपको हमारी कॉलेज का थोड़ा माहौल दिखाते हैं। अभी दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ये देखो आप। बस इतना ही, सरेआम चल रहा है, बस जूम नहीं कर सकते हम। नीर दे, पानी दे, बेसे बेसे दे। फेक मत तू तो आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? आप तो समझ गए ना, तो आंसर मैनेजमेंट का। आप लोग देख रहे हो ये सारे कैसे मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे बैठा हूँ क्योंकि मेरे को रिजल्ट मेरा पहले से पता है, इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। क्या देखा यहाँ वालों? एक तो प्रिवेंटिव रिया करे, एक क्यूरेटिव रिया। दो मेथड याद कर लीजिए। प्रिवेंटिव इतना तो नियंत्रण का विधि रहेगा। बस अच्छा, बस अते घंटों ने 28 नंबर आ जाए। 28 नंबर नहीं, पास 28 भी तो वह पास है। चल ठीक है, न्यू टाइप में भी ऑयली करना चाहिए। ठीक है, अब देख रहे हैं हमारी क्लास की कुर्सी कितनी साफ है। तेरा रोल नंबर ही आता है ना इसमें। वाइसअप इतनी साफ थोड़ी ना हो सकती है, कोई बिल्कुल गंदगी 1% ही गंदगी नहीं है। अलग अलग कंपनी की, ये दूसरी, ये तो मेरी है। हेलो गाइस, आप तो मुझे जानते ही होंगे। वैसे इसका ये फेमस डायलॉग है, आप तो जानते होंगे, आप तो इसको जानते होंगे। और कुछ? और कुछ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और बाकी को करते रहे, जो करना है कर लो। आज अपन क्यों आए इसमें? आज तो ऐसे फेल होने आए। आज किसका एग्जाम है वैसे? एंटोमोलॉजी। और सर बस पेपर का ही किया हो? अरे बिल्कुल कड़ाचू होगा, पेपर ने देकर
तेरा क्या बोला तूने? और ओए थारो खराब हुआ क्या? तेरे पेपर कैसे हुआ? बहुत अच्छा आया था। कम से कम कितने बच्चे अपन? 54। कम से कम 30 की बैग तो आनी चाहिए। और तेरा भाई? मेरा ठीक ठाक हो गया। इससे कम पास तो दे। सभी पेपर को देख के कड़ा चुक हो रहे थे। काय भाई पेपर क्या ही हो? पेपर का कुछ बोल नहीं सकते, मतलब किनारे पे खड़े, इधर भी गिर सकते हैं, इधर भी गिर सकते। इसका मतलब ठीक तो है तेरा पेपर? कीड़े लग चुके हैं हमारे दिमाग के अंदर भी, अगला पेपर का पता नहीं कैसा होगा। हम बैठे हैं भगवान के भरोसे, भगवान की जो इच्छा होगी वो होगा। साथ वालों ने धोखा दे दिया बस। कौन है तेरे पास में? कौन आता है? मेरे पास में आता है दुर्गेश, देवेंद्र और वो गोलू कृष्ण। हाँ वो तो बता सकता है। अरे वो कविता तो कोई नहीं आता भाई। गाइस पेपर वेपर हो गया है, काफी बढ़िया हुआ तनुज की दया से। और अब हम लोग निकल रहे हैं वापस जयपुर की ओर, जयपुर से फिर सीधा कुचामन। आप भी कुछ बोलो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ जयपुर। काफी अंधेरा हो गया पर आज का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। मेरे को निकलना है कुचामन की ओर, अपने घर की ओर। तो लेट्स गो। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि यार एग्ज़ाम ख़त्म हो गए कि जो घर जा रहे हैं। एग्ज़ाम एग्ज़ाम कहीं ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट ही हुए हैं। पर मैंने एग्ज़ामों को हमेशा कभी भी अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पर नहीं रखा, इसलिए एग्ज़ाम आते हैं बाद में। अच्छा तो गाइस फाइनली मैं जा रहा था घर पे, जाना हो गया कैंसिल क्योंकि भाई साहब बस भी काफ़ी लेट थी, रात को 1 बजे पहुँचा रही थी, इसलिए मैंने जाना कैंसिल कर दिया। और मैं आ गया हूँ अभी आर होम्स यानी मौसी के यहाँ। कितनी देर हो गई? चाय पियोगे या कॉफी? कॉफी पीऊंगा मैं, खाना खाने का टाइम है। मैं कॉफी पीऊंगा, ब्लैक मैं तो कॉफी पीऊंगा। ये आप ये लुगाई वाले काम क्यों कर रहे हो? तो गाइस आप ना ऐठा पड़ रहे हैं दावो, और दावा आप पी रहे हैं कॉफी, और मौसा जी छोल रहे हैं मटर। मटर छोल सी है, सब्जी बनी हुई है मटर, हमने पिछले सप्ते भर के छोल रहे हैं। देखो गाइस कितने मटर हमने छोल लिए हैं, और ये मटर सप्ते भर तक चलेंगे, और 31 दिसंबर तक ये मटर चलेंगे। 31 दिसंबर को तो नहीं बनाएंगे, स्पेशल बनेगा। तो तबीयत भी काफी ज्यादा खराब है, तो सुबह जल्दी उठ के निकलेंगे घर की ओर। जब तक के लिए गुड नाइट, टाटा बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं निकल रहा था सुबह सुबह अपने घर की ओर 5:30 बजे उठकर। अभी मैंने चेक किया तो आज की ट्रेन ही कैंसिल हो गई, तो मेरे को वापस होना पड़ेगा। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच गया घर पे, और मेरी तबीयत हो रखी है शट डाउन है। तो आज की ब्लॉग को यहीं करते हैं अपन खत्म है। जब तक ये चैनल को लाइक करे सब्सक्राइब करे, तभी कहते भाई चैनल को लाइक करे सब्सक्राइब करे। मम्मी तू भी बोल, कि आपने लाइक कर दिया करो भाई, मम्मी के दियो तो लाइक कर दिया करो। मम्मी का के बाबा लाइक कर दिया करो, मारी शक्ल देख नहीं करो तो मम्मी की शक्ल के कर दिया रे, शक्ल दिया भाई पे कर दिया। चलो ठीक है।